तेजस्वी, आपके लिए कोई प्रायोरिटी है ही नहीं। देखा और चल देता है, अपनी शक्ल दे। जिसके साथ कोई नहीं होता ना उसके साथ। वेल, बिग बॉस के घर में जब एंट्री हो रही थी इस खिलाड़ी की, तो इस खिलाड़ी को देखकर सारे के सारे लोग जो है काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उनका पिछला जो शो था खतरों के खिलाड़ी, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि ये जो है वहां तो नहीं जीत पाई, लेकिन जरूर यहाँ पे है, जीत के जाएगी। शो में जब एंट्री की, स्टेज पे सलमान खान से जब बात करी थी, तब एंट्री पे उनका दिल जीत लिया, मस्ती मजाक क्यूट बबली अवतार में। और जिस तरह से अगर हम उनकी जर्नी देखें तो यहाँ पे उन्होंने सब कुछ किया है, दोस्ती प्यार मस्ती, बचपन जो हम देखते हैं ना किसी में, एक बड़ा होने के बाद भी आपके अंदर थोड़ा सा एक बचपन होता है, वो भी उनमें हमने देखा है। उतनी ही उनकी सूझबूझ भी देखी है, गेम को समझने का तरीका भी देखा है, किस तरह से उन्होंने गेम खेला है, किस तरह से उन्होंने अपनी दुश्मनी है वो भी निभाई है। प्यार तो उन्होंने यहाँ पे किया, प्यार का एक इजहार भी हुआ, और उसके बाद उनकी लव स्टोरी एक अलग ही लेवल पे चली गई। शो के बाद ज़रूर उनके साथ शो की मेमोरीज, हो सके तो अगर वो जीत पाए तो ट्रॉफी, लेकिन एक तो है उनके साथ उनका हमसफर जो उन्हें मिला इसी शो पे। तो हाँ जी, आप समझ गए होंगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तेजस्वी प्रकाश और उसकी जर्नी की। बोल दिया तूने, कैसा लग रहा है? मैंने नहीं बोला है, फालतू में एक्साइट हो रहा है। खुले में बोला तूने। कैसे झेला तूने इसको इतने साल? कभी तेरी जिम्मेदारी है। वेल, मैं हूँ वेदांगी कर्णिक, आप देख रहे हैं फीफा फूज। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस्वी प्रकाश की पूरी बिग बॉस की जो जर्नी है उसके ऊपर। वेल, जब उन्होंने शो में एंट्री मारी थी, स्टेज पे सलमान खान का तो दिल जीत ही लिया था। एक अलग ही वे में उसका जो एक बबली सा नेचर है वो तो हमने देखा ही, लेकिन घर में आने के बाद बिग बॉस को जो है अपना बेबी बना दिया। उसी के साथ विश्व सुंदरी जो थी वो भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होती हुई दिखाई दी। जब वो शो में आई थी एज अ जंगल वासी, उन्होंने जिस तरह से गेम खेला है क्या ही बताए। राइट फ्रॉम पाथवे बनाने के लिए वो मैप के टुकड़े इकट्ठा करना, सबके साथ मिलके रात भर जग के उसे जो है वॉशरूम के अंदर स्विमिंग उसके ऊपर करना, इनफैक्ट उन्होंने जो भी किया ना टास्क, उसके बाद एक बात तो है भाई कि पूरा दिन टास्क करो, 13 लोगों के लिए मिलके खाना भी बनाओ, रात को जग के मैप्स भी बनाओ, जो शिद्दत हमने देखी है शुरुआत से तेजस्वी प्रकाश में, कहीं ना कहीं विनर की ढेर सारी क्वालिटीज जो है तेजस्वी प्रकाश में दिखाई देती है। उनके और भी बहुत सारे रूप थे जो एक 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 करके शो के ऊपर आए, और एक खास जो हमेशा याद रहेगा, जो शायद मुझे भी प्रोनाउंस नहीं करने आता, खुश मिजाज, आई डोंट नो ये मैंने सही प्रोनाउंस किया है नहीं, लेकिन जब वो टेबल के नीचे बात कर रही थी खाते खाते निशान से, और खुश मिजाज या मिजाज जो होता है वो बात करने की कोशिश करती है, निशान तो उन्हें बार बार सिखा रहे थे लेकिन वो सीख नहीं पा रही थी, और वहाँ पर बिग बॉस ने जो है उस वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करके बताया। पागलों जैसे तेजस्वी जो है पूरे घर में घूमने लगी, यहाँ से कहीं ना कहीं उनका जो एक बिग बॉस के साथ भी एक वो मस्ती भरा क्यूट भरा मोमेंट है वो भी हमने अभी कुछ ही हफ्तों पहले देखने मिला है। वेल, अगर स्टार्ट की ही बात करें, सलमान खान का जो दिल जीत लिया, लोगों का है, सारे कंटेस्टेंट्स का भी कहीं ना कहीं दोस्ती बना ली, भले वो निशान के साथ उनकी मस्ती हो, विशाल के साथ उनकी डीप फ्रेंडशिप हो, जय के साथ हो, विधि के साथ हो, करण के साथ उनका जो एक लव एंगल हो, अकाश के साथ उनकी जो दोस्ती हो वो अलग ही लेवल पे थी। इनफैक्ट अगर हम देखें ना, स्टार्ट में उन्होंने कहा था कि वो यहाँ पे लव स्टोरी बनाने नहीं आई है, और वो प्यार वारी ये सारी चीज़ें जो है ना वो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अगर आपको याद है तो वो अकाशा से जब बात करी तो उन्होंने कहा था, यार अकाशा ये तू मत कर, मेरे को नहीं जमने वाला, खाली फुकड़ हम की सेटें हमारी सेटिंग मत लगा तू, बिकॉज नेशनल टेलीविजन पर ये सब चीज़ें नहीं करने आई हूँ, यहाँ पर मैं गेम खेलने आई हूँ, मुझे ये सब में इंटरेस्ट नहीं है। ये बात एक जगह, और आज तेजस्वी प्रकाश एंड करण कुंद्रा यानी तेजरन का रिलेशनशिप जो है वो अलग ही जगह, रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही हम देख पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उन्होंने एक बहुत ही क्लियर कट एनिमी भी बना दी थी काफ़ी स्टार्ट से ही, उनकी शमिता के साथ इतनी नहीं बनती थी, और ये बात जो है विशाल भी थे उन्हें भी पता था कि यह नहीं बनती, काफ़ी अच्छे दोस्त थे,
उनकी बहन थी शमिता, लेकिन फिर भी उन्होंने गेम में जो है शमिता के पहले तेजा को रखा, दोस्त पहली बहन बाद में, ये उन्होंने क्लियर भी काफी बार किया हुआ है और हमने ये देखा भी है। लव एंगल भी था करण के साथ, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने गेम के ऊपर कॉम्प्रोमाइज की नहीं किया, चाहे जो हो जाए शी गेव हर बेस्ट, अपना हर एक वे में शी मेड श्योर कि लोगों को दिखे कि बस मैं यहाँ सिर्फ लव लपाटा जैसे राखी कहती है वो करने नहीं आई हूँ, बल्कि यहाँ पे मैं गेम खेलने आई हूँ। और कहीं ना कहीं इसीलिए वो आज एक फाइनलिस्ट में भी आप उसे देख पा रहे हो, क्योंकि अगर वो सिर्फ लव लपाटा करती तो आपको लगता है वो यहाँ रहती, बहुत सारी चीजें की, कोई भी आप इसे एक एंगल से, कोई भी ऑडियंस ना किसी एक एंगल को देखना नहीं चाहती, एक पूरे पैकेज को देखना चाहती है। और तेजस्वी प्रकाश जो है एक पूरा का पूरा पैकेज है। अब आपको मैं जो जो एक एक करके पॉइंट्स बताऊंगी उससे आप डेफिनेटली सहमत होंगे, ये मुझे पता ही है, लेकिन फिर भी ये वीडियो एंड तक जरूर देखेगा ताकि बहुत सारी तेजस्वी प्रकाश की मेमोरीज को हम यू नो फिर से रिलिव करने की यहाँ पे इस वीडियो में कोशिश करने वाले हैं। उन्होंने कुछ भी चाहे जो हो जाए, सही हो गलत हो, हमेशा स्टैंड लिया, स्पेशली जब वाइकास की एंट्री हुई और वो म्यूजियम वाला टास्क था जहाँ पे देवलीना के लिए वो किस वाली बात जो बिच्छुक लेने कह दी थी, सबसे पहले अगर कोई रिएक्ट करने वाला इंसान था तो वो थी तेजस्वी प्रकाश। उन्होंने वहां स्टैंड लिया और उन्होंने लिटरली बुचुकले को मारने तक गई, जबकि वो इनफैक्ट देवो की ऐसी कोई खास दोस्त भी नहीं थी, वो सिर्फ एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन फिर भी उसने आओ देखा ना ताओ सीधा झपट पड़ी और जो सही है उसके लिए स्टैंड लिया। करण कुंद्रा ने स्टार्टिंग में बहुत कम स्टैंड लिया है तेजा के लिए, लेकिन तेजा इससे बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुई। जब जब उनके बॉयफ्रेंड के ऊपर इल्जाम लगाया जाता था या उनके रिलेशनशिप में उसे सिक्योर फील नहीं करवाता, ऐसी बात अगर वीकेंड के बारे में बोली जाती, सलमान जिस भी वे में बैश करते करण को, फिर भी तेजा जो है खड़ी रहती, वो हमेशा कहती आई एम वेरी सिक्योर विथ माई मैन एंड आई लव हिम। और उन्होंने जिस तरह से हर बार करण के लिए स्टैंड लिया है वो एक अलग ही लेवल पे है। और अभी अभी तो करण उनके लिए स्टैंड लेने लगे हैं जर्नी के एंड में, काफी खुले में आके, काफी ओपनली आके, लेकिन तेजा ने जो है ये जर्नी के काफी स्टार्ट से ही किया था। इनफैक्ट जब ये जंगलवासी भी थे उनकी जो स्टोरी थी वहीं से उनकी शुरू हुई थी। उनके लव जर्नी पे तो हम जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के बाद, लेकिन कुछ भी हो एज अ दोस्त भी एज अ बॉयफ्रेंड भी, हर एक वे में तेजा ने अपने दोस्तों के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए, अपने लव के लिए हमेशा हमेशा जो स्टैंड है वो बहुत सही तरीके से लिया है। उनके ऊपर काफ़ी इल्ज़ाम लगाए गए कि आप बहुत रोतलू है, आप बहुत जल्दी रो लेती है, सिंपथी कार्ड खेलती है, कभी रोने वाला कार्ड खेलती है, कभी विक्टिम कार्ड खेलती है, कभी वुमन कार्ड खेलती है, अलग अलग कार्ड जो है यहाँ पे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, जिसके ऊपर तेजा ने एक बहुत सही वन लाइनर भी बोला, हाँ यहाँ पे हम गेल नहीं खेलने आए, यहाँ पे मैं तीन पत्ती खेलने आए, आ जाओ तीन पत्ती खेलते, क्योंकि बस गेम सदा कार्ड्स की बातें यहाँ पे होती रहती है। अपने हेटर्स का उन्होंने हर बार जो है मुंह चुप कराया है, भले उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए प्रतीक दिखे हो या फिर कभी कभी निशांत भी हो, शमिता तो ऑल द टाइम होती है, रश्मि के साथ भी उनकी जो बाहर सी दोस्ती थी वो खराब हो गई कहीं ना कहीं गेम में आने के बाद, उमर रश्मि ये भी उसके खिलाफ जब थे फिर भी उसने वही चीज़ का स्टैंड लिया जो उसे हमेशा से सही लगता था, वो किसी और की बात नहीं सुनती थी, सीधे अपने दिल की, अपने दिमाग की सुनती थी, इसीलिए अभी भी सुन रही है, इसलिए शी इज़ वन ऑफ द टॉप एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स ऑफ दिस गेम। वेल, जिस तरह से शमिता का उन्होंने गेम एक्सपोज किया है वो हम कैसे भूल सकते हैं, जिस तरह से जब शमिता ने उन्हें डाउनग्रेड किया, जबकि शमिता ने क्लियरली कहा था उन्हें एक रात पहले कि वो डाउनग्रेड अगर किसे करेंगी तो वो राखी है, क्योंकि राखी ने थ्रू आउट द गेम अच्छा नहीं खेला है, काफ़ी अनफेयर दिखी हुई है, लेकिन फिर भी शमिता ने ओपनली ये चीज ना कहते हुए उन्होंने इस तरह से लपेटा उस बात को कि देवलीना एंड रश्मि मेरे लिए खेले हैं, तो वो चाहते हैं कि तेजा ना आगे जा, इसलिए मैं तेजा को डाउनग्रेड करती हूँ, बल्कि उनके मन में तो ये था कि अरे कंपटीशन है, कंपटीशन को कम करते हैं, राखी के बारे में बात करके डाउनग्रेड जब उन्होंने तेजा को किया, तेजा आग बबूला हुई और उन्होंने अपने एक्सप्रेशन जो अंदर थे इमोशन सबको एक्सप्रेस कर दिया, भले वो ये कहना हो कि शमिता के लिए हमेशा यहाँ पे एक फेवरिज्म हुआ है, एक बायस्ड हुआ है कि यू नो उनके लिए उनका बॉयफ्रेंड भेज दिया, भाई भेज दिया, बेस्ट फ्रेंड भेज दिया, यहाँ पे घर के अंदर उसका ऑलरेडी एक भाई है, अगर कुछ भी होता है तो शमिता ये टास्क नहीं खेलेगी, वो टास्क नहीं खेलेगी, उसके शोल्डर वाला पेन है, एक हफ्ते के लिए बाहर भी गई थी जब तबीयत खराब थी, तब वो एक हफ्ता शो देख के अंदर आई है, और बहुत सारी चीजें जो है शमिता का गेम, इनफैक्ट उन्होंने अभी मैनिक्विन टास्क में भी कहीं ना कहीं इसे एक्सपोज किया, क्योंकि लोग देख के ये जरूर कह रहे हैं
कि तेजा ही अकेली ऐसी नहीं है जिसे आप कह सकते को इनसिक्योर है। सिर्फ उसे अकेली को शमिता से प्रॉब्लम नहीं बल्कि शमिता को भी है, क्योंकि हमने लाइव फीड में देखा ही है जो दो दिन से एपिसोड में नहीं दिखाया गया कि जिस तरह से शमिता जो है भले वो रश्मि हो, घर के कोई भी खिलाड़ी हो या फिर राजीव खुद की ना हो, कि किसी भी तरीके से तेजा को टिकट ऑफ विलानेड नहीं मिलना चाहिए। बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, लेकिन हमारी जो शेरनी है आफ्टर ऑल आके जीती और उसने वही कर दिखाया जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था तेजा के सारे फैंस को। पहले तो वो बनी थी VIP ड्यू टू उमर, सेकेंड टाइम डिबेट टास्क में जीत के वो बनी VIP, लेकिन डाउनग्रेड कर दिया गया उसे शमिता की ओर से। फिर उन्होंने प्रतीक के साथ टास्क खेला, प्रतीक भले ठीक है चलो टास्क जीत गया, उन्हें पता था वो नहीं जीतने वाली, शायद उन्हें एंड में अंदाजा लग गया था सेकेंड डे पे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, एंड तक तेजा जो है खेलती रही। फिर उन्हें एक और बार मौका मिला उसी हफ्ते जहाँ पे सबके लिए एक टास्क था बॉल्स वाला, बॉल्स उन्हें लॉन्ड्री बैग में कलेक्ट करने थे, वहाँ पे भी शी गेव हर बेस्ट, लेकिन वो कहते हैं ना नहीं उनसे हो पाया। लेकिन आखिरी मौका जब बिग बॉस ने सभी घर वालों को दिया था, तेजा मेड श्योर कि कुछ भी करके वो अंदर आए, वो घर के अंदर आखिरी VIP जो है अगर कोई बनी है तो वो है तेजस्वी। घर का VIP नंबर वन सबको याद रहता है और घर का आखिरी VIP भी सबको याद रहता है, जैसे उमर घर का सबसे पहला VIP था उसी तरह तेजस्वी घर की आखिरी VIP है, और ये जनता अपने दिमाग से जो है मेमोरी से है कभी निकाल नहीं पाएगी। टास्क में हर तरह उन्होंने अपना बेस्ट दिया, उनका लो मोमेंट भी आया जब ओम तेजरन जो हम सब पसंद करते हैं, लेकिन जब रश्मि आ गई थी बीच में, जब वाइल्ड कार्ड की एंट्री होती है इन चारों का ग्रुप बन जाता है, लेकिन जिस तरह से उमर और करण उसके ऊपर सवाल उठाने लगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो है रश्मि ने और राजीव ने बताई थी बाहर से आके, ये चीज़ें देखने के बाद कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव था। करण को लग रहा था कि तूने हमें बताया क्यों नहीं, उमर वॉज लाइक तूने हमें बताया क्यों नहीं कि विशाल की जो पहली प्रायोरिटी वो शमिता नहीं तू है। वैसे बहुत सारी लड़ाई झगड़े हुआ, बेचारी को तो पता भी नहीं था यार कि सुबह के 4 बजे बेचारी यू नो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो गई, पूल में जाके कूद गई और लेटी थी पूल में, लेकिन सलमान खान ने और ना ही घर के लोगों ने उसे समझा नहीं कि यार वो ये दिखाने के लिए नहीं कर रही है, वो ये फुटेज के लिए नहीं कर रही, बट शी वॉज एक्चुअली फ्रस्ट्रेटेड। जाए तो जाए, कहा बात किससे करे, ना उसका बॉयफ्रेंड उसकी सुन रहा है ना उसके दोस्त उसकी सुन रहे हैं, तो करेगी क्या। लेकिन तब से उसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगने लगे कि तू देखने के लिए क्या क्या करती है, फुटेज के लिए करती है, तू आगे जाए इसीलिए तू ये करती है वो करती है, और कार्ड्स भी हैं जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे, लेकिन वो लड़की ने आज तक ना कभी नीचे झुक के देखा है ना पीछे मुड़ के देखा है, हमेशा आगे बढ़ती गई है और आगे बढ़ती रहेगी। यह जर्नी उसको कहाँ ले जाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन लोगों के दिल में ज़रूर उसके लिए दिल में एक काफ़ी खास जगह बन गई है। लव के लिए यहाँ पे नहीं आई हूँ ये कहने वाली लड़की लव में पड़ जाती है। वेल, जब एकता कपूर घर में आती है और करण के पास एक हार्ट होता है, वो जाके हार्ट जो है उसे गिफ्ट आया होता है, ये आप जिस चाहे पर्सन को दे सकते हो, तो उन्होंने वो हार्ट तेजा को दिया, कहीं ना कहीं लव का एक्सप्रेशन हुआ और कहा कि मुझे तेजा पसंद है। इसके बाद धीरे धीरे जो है करण और तेजा के बीच अपनी जो नज़दीकियाँ है वो और ज़्यादा बढ़ने लगी। स्टार्ट तो वैसे उनका जंगलवासी थे तभी हो गया था, वो कॉफ़ी जो शेयर की थी ना सबसे पहले, हाँ जी कॉफ़ी से उनका ये जो है शुरुआत हो गया, और एक कोई तो फ्रूट भी था जिससे उन्होंने शेयर किया था, मुझे अभी एग्जैक्टली वो फ्रूट याद नहीं आ रहा, शायद गुआवा होगा, गुआवा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उससे उनकी कहानी है जो शुरू हुई। कप में, एक ही कप में वो कॉफ़ी पीने लग गए, एक ही प्लेट में खाने लग गए, और जो नज़दीकियाँ बढ़ने लगी दोस्त से, बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट फ्रेंड्स से, वेल आज वो तेजरन बन चुके हैं। लेकिन उनकी जर्नी भी इतनी कुछ यू नो रेनबोज एंड बटरफ्लाई से नहीं भरी थी, काफ़ी ज़्यादा कांटे थे जो लोगों ने उनके रिलेशनशिप में उनके जर्नी में बिछा रखे थे। भले वो रश्मि का आने के बाद करण से क्लोज हो जाना और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करना तेजा के अगेंस्ट, भले वो गेम में शमिता का हो, प्रतीक का हो, निशान का हो, कहीं ना कोई लोगों ने इनमें लड़ाई झगड़ा कराने की तो बहुत सारी कोशिश की है। ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के कराते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे होता था, ये दोनों काफ़ी स्ट्रांग हेडेड लोग हैं, झगड़े तो होने बनते ही थे, लेकिन हर झगड़े में ये आगे जो है एज अ स्ट्रांग कपल आए। भले सबसे ज़्यादा जो है बैश किया गया था करण को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए स्टैंड ना लेने के लिए एग वाले टास्क में, ड्रैगन एग था, करण चाहता था खुद जीते, तेजा के साथ सिर्फ राखी और देवो थे, क्लियरली दिख रहा था कि वो VIP बनेगी, लेकिन करण उसके अगेंस्ट खेल रहा था।
और ये देखने के बाद शी वॉज लाइक यार मुझे नहीं चाहिए ये फेयर अनफेयर के जो नाटक है इनके, रहने दो मुझे, मत जिताओ करण को जिता दो। ये सब इतना होने के बावजूद भी और सलमान ने जिस तरह से बैश किया था करण को उसके बाद भी, और उसके साथ जो हुआ करण की ओर से, उसके दोस्तों की ओर से, फिर भी उसने करण का कभी साथ नहीं छोड़ा, कभी हाथ नहीं छोड़ा और हमेशा करण के साथ जो है खड़ी रही एज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, एज अ वेरी स्ट्रांग गर्लफ्रेंड। हमेशा अपने बॉयफ्रेंड के लिए जो है उन्होंने जो है अपने प्यार के लिए स्टैंड लेता हुआ हमने देखा है। कोई भी टास्क हो, कोई भी चीज़ हो, ऐसी एक चीज़ नहीं थी जो उसने की हो और लोगों ने ना देखी हो। यू कैन हेट हर, यू कैन लव हर, बट यू डेफिनेटली कैन नॉट इग्नोर हर। ऐसी है तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश और तेज रंग की ये जो जोड़ी है बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग ऐसा कह भी रहे हैं कि ये शो अगर अभी बचा कुचा जो चल रहा है वो सिर्फ तेजस्वी प्रकाश और तेजरन के वजह से चल रहा है। तो ये तेजस्वी प्रकाश की जर्नी आपको कैसे लगी और कौन से मुद्दे हैं और कौन से पॉइंट्स हैं जो आप हाईलाइट करना चाहते हो तेजस्वी प्रकाश के जर्नी के, तो ज़रूर नीचे कमेंट करके हमें बताइए। और हमारे साथ यू फी फाफूस पे बने रहिए, थोड़ी देर में फिर आऊँगी आपसे बात करने, ढेर सारी खबरें देने और हाँ एक और जर्नी वीडियो भी आप तक बहुत जल्दी आने वाली है। कहीं ना जाना, हमारे साथ यू फी फाफूस पे बने रहिए।